हेलो फ्रेंड्स, आई एम चंदना एंड वेलकम टू माय चैनल जी टीवी एजुकेशन एंड एग्जाम्स। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी रियलिटी जो आप जानते तो हो पर शायद अनजान हो। आपको पता है कि ऐसा सच में है पर फिर भी आप उस पर कभी सोचे नहीं होंगे, जिसकी वजह से आपको बहुत बार फेलियर फेस करनी पड़ सकती है। ठीक है, तो फिर ये वीडियो पूरा देखना ताकि आपको इसके बारे में कम्प्लीट नॉलेज हो जाए। तो सबसे पहली बात, आप जो सुनते हो बहुत सारे टॉपर्स ऐसा बोलते हैं कि हमने फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर किया है। तो एक बात बता दूं आपको कि कभी भी कोई भी फ्रेशर्स फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर नहीं किया है। फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर वही बच्चे करते हैं जो 2-3 साल से प्रिपरेशन करते आ रहे हैं, तभी उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर किया है। कोई फ्रेशर्स नहीं कर सकता, तो प्लीज इस बात को अपने पे लोड बना करके आप भी मत करने लोगों, ठीक है? और फिर नहीं होगा, फिर आप डिप्रेस हो जाओगे। फिर दूसरी बात, आजकल आप जो कोचिंग सेंटर सेलेक्ट करते हो, आपको पता है मोस्टली रिप्यूटेड कोचिंग सेंटर्स में भी टीचर्स ऐसे होते हैं ना जो बच्चों को सिर्फ फूल बनाते हैं। यस, वो सिर्फ इररिलेवेंट टॉपिक्स आपको पढ़ाते हैं जो कि आपके काम की नहीं रहती, आपके सिलेबस में नहीं है, और वो पढ़ के आप सिर्फ अपना मनी वेस्ट करते हो, टाइम वेस्ट करते हो। तो ये भी एक बहुत बड़ी पॉइंट है जिसपे कि आपको ध्यान रखना है। और तीसरी बात कि आप कितनी भी बुक्स पढ़ लो, आप चाहे सारी बुक्स पढ़ लो, तब भी अगर आप टेस्ट सीरीज नहीं दिए हो, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस नहीं किए हो, तो आपको एग्जाम में कुछ नहीं आएगा यार। सीरियसली, फ्रेंकली आई एम स्पीकिंग, आप कितनी भी बुक्स पढ़ लो, अगर टेस्ट सीरीज नहीं दे रहे हो तो फिर कुछ नहीं होने वाला, आपसे एग्जाम निकलेगा ही नहीं, आप लिख भी नहीं पाओगे, ठीक है? और नेक्स्ट, आप जो बुक कलेक्ट करते हो, रेफरेंस बुक आप 2 से 3 ही रखो, उसी को आप बार बार पढ़ो। आपको ज़रूरत नहीं है ज़्यादा से ज़्यादा रेफरेंस बुक कलेक्ट करने की, ठीक है? आप एक ही बुक रखो, उसी को बार बार रिवाइज करो, इससे ही आपको बेनिफिट होगा। गवर्नमेंट एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हो तो मैंने बहुत बच्चों को देखा है कि वो जब यूपीएससी का प्रिपरेशन करते हैं तो साथ साथ वो एसएससी भी देंगे, आरआरबी भी देंगे और सारी गवर्नमेंट एग्जाम में ट्राई करते रहते हैं। तो एक बात क्लियर कर दूं यार, सबका सिलेबस सेम नहीं होता है, तो अगर आप उसमें फोकस करने लग जाओगे ना तो शायद आपको इधर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो प्लीज एक जगह ही फोकस करो, या तो आपको उधर जाना है तो आप उधर जाओ और इधर रहना तो इधर ही रहो, नहीं तो फिर ऐसे में ही आपका एग्जाम जो है ना वो बिगड़ जाता है। और नेक्स्ट, फ्रेंड्स वगैरह से इस टाइम पे थोड़ा दूर रहो। जितने भी इवेंट्स होते हैं तो आप रिलेटिव से मिलोगे, आपका टाइम वेस्ट होगा, ओके? तो इन सारी चीज़ों से दूर जब तक नहीं रहोगे तब तक आप एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते हो, दिस इज द रियलिटी। और हाँ, ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करते टाइम बहुत बच्चे बहुत कन्फ्यूज होते हैं, पर इसमें कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं है। आप जिस एजुकेशनल बैकग्राउंड से हो आप वही ऑप्शनल सब्जेक्ट सेलेक्ट करो, तभी आप सही से उस सब्जेक्ट को क्लियर कर पाओगे। नहीं तो अगर आप दूसरा लेते हो ना, देन आपको उसके लिए कोचिंग लेना पड़ेगा एंड दैट जस्ट अ टाइम वेस्ट। तो प्लीज आप जिस एजुकेशनल बैकग्राउंड से हो आप वही ऑप्शनल सब्जेक्ट सेलेक्ट करो, ठीक है? और फिर बात करते हैं कि अगर आप रिवीजन नहीं करते हो तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। आप कितनी भी पढ़ लो, सारी बुक्स पढ़ लो और आप रिवीजन नहीं कर रहे हो, तो फिर पता है एग्जाम में क्या होगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मैंने क्या पढ़ा था, कहाँ से पढ़ा था, आपको कुछ नहीं याद आएगा और फिर फाइनली आप एग्जाम क्रैक नहीं कर पाओगे, ठीक है? तो इसलिए प्लीज आप रिवीजन करो, जितनी बार हो सके उतनी बार रिवीजन करो। तो ये सब थे यार कुछ रियलिटी जो कि यूपीएससी एग्जाम के बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होती है। तो इन सारी बातों का अगर आप ध्यान रखोगे तभी आप एग्जाम क्रैक कर सकते हो। होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो फिर हमारे चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए।